अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त अदनान। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं अदनान कराची व्लॉग्स। वेलकम बैक, न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। इस टाइम जो है टाइम हो चुका है, टाइम क्या हो गया अभी भाई, असर की नमाज हमने पढ़ी है। असर की नमाज पढ़ के हम आए हुए अभी दो दरिया पे। तो बात यह है कि आज का मेरा व्लॉग जो है ना उर्दू में, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि अदनान भाई आप सराइकियों को छोड़ो, उर्दू में व्लॉगिंग करो, उर्दू में व्लॉग बनाओ ना। जितने लोगों की डिमांड थी, आज मैं उर्दू में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज मुझे बताना है कि मेरी व्लॉगिंग कैसी हुई उर्दू में। राइडर घूम रहे इधर जो है ना, आज संडे का दिन है तो तब भी जो है ना बाइकें वगैरह भगाने वाले आ जाते हैं। काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि अदनान भाई एक आपका व्लॉग उर्दू में हो जाए ना, तो आज का मेरा व्लॉग उर्दू में। तो मैंने कभी उर्दू में व्लॉगिंग नहीं की ना, तो असल में मेरा कॉन्टैक्ट सराइकी है, तो मैं ज़्यादातर सराइकी पर ही बोलता रहता हूँ और सराइकी पर ही वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ ना। तो आज का मेरा व्लॉग उर्दू में है भाई। उर्दू में बनाए सराइकी में बनाए, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? अगर इस व्लॉग में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं फिर उर्दू में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बनाऊंगा। आज आपको इज्जत मिली हो फैनों की वजह से, मुझे इज्जत जो मिली है ना वो सराइकियों की वजह से। तो अभी मैं टाइम जो है ना हम लोकेशन ढूंढ रहे कोई अच्छी सी ना जहाँ वीडियो वगैरह बनाए ना। सामने ना चले यार बिल्डिंगों के पास है भाई, यहाँ से व्हाइट बिल्डिंग जो है, क्या कहते हैं, नजर आएगी बिल्डिंग यहाँ से सामने वाला व्यू ना। मैं सोच रहा हूँ उधर जाए, इधर चढ़ाओगे ऊपर चढ़नी, इधर से नहीं जाएगी ऊपर, गाड़ी तो चली जाएगी। नहीं तारिक रोड से ऊपर चला रहे हो? आज जाने तो तारिक भाई स्पीड से, ये गई ये जाम से, ओ तेरी खैर। बस देख, ये अभी हम आ गए जो है ना मेन लोकेशन पे। सामने सूरज देखो कितना प्यारा है, शाम हल्की हल्की शाम हो रही है ना, तब सूरज जो है ना नीचे डूब रहे भाई जी। क्या सूरत हाल है अभी, वीडियोस वगैरह आज अच्छी आएगी? कौन सा व्यू दोगे मुझे बताओ थोड़ा। भाई दे पहले टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे, कौन सा व्यू देना है आज हमने? आजकल ना फनी कंटेंट हम डाल रहे हैं, आजकल हम फनी वीडियो बनाएंगे अपने टिकटॉक आईडी पे। हमने और न्यू अकाउंट बनाया है, उस पर हम इंशाल्लाह आज के बाद फनी वीडियो डालेंगे अपनी वॉइस पे, कोशिश करेंगे की अपनी वॉइस पे अपनी आवाज पे, जैसे काफी टिकटॉकर हिजर उमर ये सारे बनाते हैं ना वैसे। अभी जो है ना बिल्कुल ही शाम होने वाली, सूरज भी जो है ना डाल चुका है, तो अभी कुछ इधर वीडियोस वगैरह मेरी जो शूट थी वो मैंने कर लिया। अभी हैवी भाई की एक दो वीडियो रहती हैं वो बना ले, वीडियोस वगैरह बना के यहाँ फिर जा रहे हैं वापसी की तरफ, हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहने। तो हैप्पी भाई की वीडियो बनाते हैं भाई। हाँ मेरी वीडियो बन गई, वीडियो बनाए आपकी, हैप्पी भाई की वीडियो बना ले, फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ भाई कल नमाज पढ़ी है, था मगरिब का टाइम थी जो गाई नमाज पढ़ते हैं सामने गाड़ी कल जाने पर। हैप्पी चलो भाई, क्या प्लान है तारे भाई, किधर जाना है? शॉप तो बन जाओ सपा की गाल है जी, सीधे चलते हैं लेफ्ट हो जाएगा रोड पे। गो जी गाइस, तो अभी हम आ गए शॉप पे, तो सबसे पहले मेरी शॉप का व्यू चेक करें। तो दूसरा नंबर आपके लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, पता नहीं आप होंगे या ना होंगे, तो मैं तुम्हें गुड न्यूज़ बताता हूँ क्या है। आज तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि आज मैच है, अभी किसका मैच था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल, इंडिया और इंडिया का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच था ना। तो अभी जो है, और मैं तो कहता हूँ ना इंडिया की ऐसी 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 धुलाई की है ऑस्ट्रेलिया ने, मैं कहता हूँ कि उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उनको रात को नींद बिल्कुल नहीं आएगी, पूरे इंडिया को नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत की है यकीन करो वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान का भी नहीं हुआ तो उनका भी नहीं होगा। अदनान भाई मैंने पहले बोला था ये हर मैच जीतेंगे, लड़ाई हो रही है अभी कोई उन लोगों को ना, कितने 20 ओवर पे कोई कितने स्कोर चाहिए अभी उनको, मेरे ख्याल में 80 बॉलों पे 38 रन चाहिए। हाँ तो वो अभी जो है ना 10 से 15 मिनट में इनको खलास कर देंगे, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इंडिया इंडिया की टीम रोती हुई जाएगी वापसी, जैसे पाकिस्तान हमारे आए हैं चलाते, कोई मसला नहीं, हमारे नसीब में नहीं था तो उनके भी नसीब में नहीं होगा, तो तीसरी टीम ले जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया तुम्हें पता है इंडिया को नहीं चल रही। मैंने पहले बोला था इंडिया फाइनल में आगे हारेगा, बढ़ गया। तो दूसरा अभी हम जो है बहुत खुश हो रहे हैं, इंडिया हार गया तो मजा आ गया भाई, आप कैसे खुश हो? इंडिया पे हमें एक नाराज किया है कि हमारे पाकिस्तानी आवाम को वहाँ नहीं जाने दिया। हाँ इंडिया इंडिया में बस हमें यही हमारा दिल टूटा, क्योंकि हमारे वहाँ सपोर्ट करने वाले हैं, पाकिस्तान की आवाम वहाँ नहीं गई ना। तो हमारा मैंने इंटरव्यू देखे काफी, बाबर आजम का भी जितने भी वहाँ के बैट्समैन खेलने गए थे ना, तो वो यही कह रहे थे कि यार उनके ग्राउंड में इतने इंडिया की पब्लिक होती थी हमें कंफ्यूज कर देती थी ना, तो हमारा तो वहाँ झंडा भी कोई नहीं उठा के घूम रहा था, तो हमारा हम मायूस हो जाते थे, हर मैच हम हार जाते थे। तो वजह भी यही थी क्योंकि वहाँ कोई पाकिस्तानी था नहीं जो उनको सपोर्ट करे, तो बाकी कोई मसला नहीं है, इंडिया आलो
नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये जो ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया ब्रांड का, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया वालों को ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया टीम का, वाकई मैं कहता हूं उनका क्या नाम है मैक्सिवल, ऐसा धोते हैं इनको, मैं कहता हूं कि छक्के चौके। तो मैं ये कहता हूं कि बस मजा आ गया आज मैच, किस किस ने देखा मुझे लाजमी बताना। मैं तो चस आ गया मोड़, फिर ना इंडिया के भी जो ना रो रहे होंगे उनके कुछ देर बाद वीडियो जो है ना ट्रेंडिंग में चल रही होगी, इंडिया का कोहली रो रहा होगा, दूसरा कौन सा विराट शर्मा है कोई है वो भी रोहित शर्मा, सारे उनके एक्टर आए हुए थे इंडिया के जितने भी थी पूरी पब्लिक, रजनीकांत था, विराट कोहली की बेगम थी, घर जाएंगे। वैसे विराट कोहली की बेगम ड्रेस अच्छा पहना हुआ था, मुझे पसंद आ गया। मैं कहता हूँ रात को खा पी आगे इंडिया लो, पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। जब वेले नाल तो बाकी ये मेरा आज का व्लॉग उर्दू में था, काफी मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार आप व्लॉग उर्दू में बनाओ, कमेंट भी आए हुए थे। तो ये मेरा व्लॉग उर्दू में, आज मैंने सराय की बिल्कुल यूज नहीं की, तो आपने बताना है कि मेरा व्लॉग कैसा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से अच्छे व्लॉग। ये हमारा व्लॉग है दिल किसी का वो दुखाने वाला नहीं, एंटरटेनमेंट हमने किया, कोई दिल पे बात नहीं लेगा भाई, पहले से बोला। बाकी इस व्लॉग को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करता, इस व्लॉग इधर ही करूंगा एंड उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मजीद अच्छे से अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।